गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज श्वेता। और आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट हॉल। आपको पता है कि रिसेंटली नॉट रिसेंटली बट मैं कोलकाता गई थी अपने ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के पास और वहाँ पर मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप कुछ ब्लॉग्स भी देख चुके हैं अभी तक से जो मैंने कुछ दुर्गापुर में वो लोग रहते थे तो हम दुर्गापुर काफ़ी एक्सप्लोर किया। मैंने काफ़ी शॉपिंग की वहाँ से, फिर हम कोलकाता गए, फिर वहाँ से पुरी गए। सो मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप। और लेकिन हाँ, दुर्गापुर में जैसे मैंने बताया कि मैं वहाँ पर सोनाझुरी एक हाट है जो कि थोड़ा सा ट्राइबल लोग अपना वो करते हैं शॉपिंग का, मतलब शॉपिंग के लिए सामान वामान बेचते हैं। सो ट्राइबल चीज़ें वहाँ पे काफ़ी चीज़ मिलती है। तो वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पे मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें ली, प्लस दुर्गापुर में और भी जगह थी जहाँ पर मैं गई और वहाँ पे मैंने शॉपिंग की। तो ये हॉल जो है वो दुर्गापुर का कंबाइन कह सकते हैं। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा और फिर मैं जो दुर्गापुर था वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें खरीदी। तो दिस वीडियो इज अबाउट दुर्गापुर हॉल। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो मैं वहाँ पर मेरा जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, नज़रें मेरी हर जगह कहीं पर भी मैं जाती हूँ मेरी नज़रें ज्वेलरी पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा टिकती है। तो मेरी सबसे पहले नज़र गई थी वो ज्वेलरी पर गई थी एंड दैट इज़ लाइक दिस इयररिंग। दिस इज़ ह्यूज एंड हैवी, बहुत ही सुंदर ट्राइबल टाइप का है। यहाँ ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। सो इसमें नीचे ऐसे बीट्स बने हुए हैं और घुंघरू भी है, आप सुन सकते हैं। सो या बहुत ही प्रिटी ये है। दिस इज़ वेरी हैवी। मैं इसको जस्ट पहन कर दिखाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लगता है बट एट द सेम टाइम ये आप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पहन सकते हो। या सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, बहुत प्रिटी है ये, बहुत मुझे अच्छा लगता है। इसको आप किसी एथनिक वेयर या फ्यूज़न वेयर, कभी आप जैसे कुर्ता पहनते हो उसके साथ जीन्स पहनते हो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सी कितना मुझे तो ये, मतलब मेरी पहली नज़र में मुझे ये पसंद आ गया था। और दैट वहाँ पर बहुत नेगोशिएशन होता है तो अगर कुछ भी हो तो आपको नेगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ऑन टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ अगेन अ ज्वेलरी। नाउ दैट इज दिस काइंड ऑफ चोकर, ऐसा अगेन दिस इज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और ये मुझे बहुत प्रिटी लगा था। दिस इज द लुक। इसको भी आप फ्यूजन वेयर या एथनिक वेयर किसी पे भी पहन सकते हैं। इवन आजकल तो जीन्स पे भी लाइक बहुत अच्छे से ये चोकर टाइप के पहने जाते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। जैसे ही गले में ये आता है ये एकदम गले से अटैच जाता है। यूजली जो ज्वेलरीज होती है वो थोड़ा सा लटक जाती है, वो उतनी अच्छी लगती, बट ये पूरा अच्छे से चोकर जो है वो गले में ये इस तरीके से चिपक जाता है तो आपके गले में बहुत अच्छा लुक देता है। और इसके साथ अगर आप ऐसे हाई पोनी टेल रखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ अगेन काइंड ऑफ चोकर जो कि ये सिल्वर के उसमें है, कलर में है, अगेन ऑक्सीडाइज। मुझे ऑक्सीडाइज चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं तो इस तरीके का ये लुक देता है। ये मैंने अपने जब मैं कोलकाता गई थी तो ये मैंने पहना भी था और ये बहुत प्रिटी लग रहा था। सो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे छोटे छोटे कॉइन्स टाइप के ऐसे दे रखे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस वाज माय नेक्स्ट परचेज, लाइक ज्वेलरी का मेरा लास्ट परचेज था ये। नेक्स्ट परचेज वाज माय दिस दुपट्टा एंड दिस इज सच अ प्रिटी दुपट्टा। ये आपको मल्टी कलर में इस टाइप से मिलता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। मैंने कोलकाता में पहना था ये। इसमें आपको ये डबल कलर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको मल्टी कलर मिलता है जिसको आप किसी भी आउटफिट के साथ पेयर अप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये आपको क्रीम कलर का भी ये मिलता है ऐसे, तो आपको जो मन करता है आप वो साइड लीजिए और यू आर गुड टू गो। और दिस इज़ सच अ प्रिटी। और इसका जो मटेरियल है, कपड़े का मटेरियल, वो इतना अच्छा है, बिल्कुल यकीन ही नहीं रहा था कि ऐसे मटेरियल, मतलब यहाँ पर ऐसे स्ट्रीट टाइप में शॉप्स में मिल सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड परचेज। और लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि गर्मी में आप इसको पहनेगा, मैंने कोलकाता में इसको पहना था और मैं ऑलमोस्ट उबल चुकी थी इसको पहन के, बहुत गर्म करता। बट सर्दियों में यू कैन वेयर इट एज अ शॉल एज वेल और ये बहुत प्रिटी लगेगा। इतना मुझे, दिस इज़ माई वन ऑफ द लाइक फेवरेट परचेज लाइक फ्रॉम दुर्गापुर।
जो मैंने वहाँ से लिया है ये बहुत सुंदर है। इसका एक और मैंने लिया था थोड़े से डिफरेंट कलर में, वो मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था बिकॉज शी इज़ ऑल्सो मोर इन टू लाइक ज्वेलरी एंड दिस दुपट्टाज एंड ऑल, तो उसके लिए भी लिया था मैंने। तो ये है दुपट्टा। उसके बाद मैंने दीज ऑल आर लाइक फ्रॉम सोनाझुरी। उसके बाद मैंने यहाँ से ये एक पर्स लिया था जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, मुझे ऐसा लाइक अगर आप किसी शॉप से लोगे ना तो ये 1000 से कम का नहीं मिलेगा। दिस इज मतलब इतना बेस्ट है और इसके अंदर का कपड़ा भी इज नॉट दैट बैड। और इसके साथ आपको ये स्ट्रिंग भी मिलता है, तो अगर आपको ये लटकाना है ऐसे करके तो आप लटका सकते हैं। अगर आपको जस्ट ऐसे क्लच की तरह पहनना है तो इसको अंदर डालिए और क्लच की तरह ले लीजिए। इसमें यहाँ पर ये आपको चेन मिलता है, इसमें अंदर कोई और पॉकेट नहीं है, दिस इज़ ऑल। लेकिन जो इसका ऊपर का प्रिंट है, मतलब फेस्टिवल में अगर आप इसको कैरी करते हैं या कहीं शादी पर जाते हो कैरी करते हो, ओह माय गॉड, मतलब मेरे एक नज़र में मैंने इसको पसंद कर लिया था और इसके मैंने आई थिंक 4-5 पीसेस ले लिए थे सबको गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इतना सही प्राइस में और इतना अच्छा, मतलब कैन यू लुक एट दिस, मतलब ये इतना सुंदर लग रहा है। और ये मैंने 5-6 लेकर सबको गिफ्ट कर दिया। दिस वॉज माई लास्ट वन मोर परचेज, वन मोर थिंग आई बॉट, एक्चुअली नॉट मी बट माई हस्बैंड बॉट। जैसा आपको पता हमने नया घर लिया है तो हमें बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स लेने होते हैं घर के लिए, जहाँ भी जाते हैं हमें डेकोरेटिव आइटम्स हम देखते हैं। तो वहाँ से हमने ये साइकिल काइंड ऑफ लिया था। यहाँ पर आप कुछ पॉट या कैंडल या कुछ भी ऐसे लग सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ये पूरा मेटल है और ये वुड है। दिस इज माई लास्ट परचेज फाइनली फ्रॉम सोनाझुरी हाट। मुझे बहुत मज़ा आया था वहाँ पर। एक तो जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है ना, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है और इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखती हैं तो लड़कियाँ तो डेफिनेटली पागल हो जाती हैं। तो मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी अंकिता, हम लोग पागल हो गए थे, हम लोग खरीद ही जाते थे। सो या मूविंग ऑन टू अदर परचेज फ्रॉम दुर्गापुर, जो कि मैं अंकिता के साथ गई थी और वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदी थी। ये फिर मैंने एक जयपुरी दुपट्टा लिया था, मुझे इसका बहुत अच्छा प्रिंट लगा था। ये दिस इज फ्री प्रिंट, बहुत अच्छा इसका मटेरियल है और इसमें लास्ट में ये एंड में गोटे लगा है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आप किसी भी सूट, जैसे प्लेन सूट होते हैं ना, रेड कलर या ब्लैक कलर, उनके साथ लीजिए, ये बहुत अच्छा लगता है। और दिस इज ऑल्सो लाइक, मतलब सब चीज़ें मुझे इतनी पसंद आ रही थी वहाँ पर। बाद एक और दुपट्टा मैंने लिया, वो डिफरेंट थोड़ा सा सिंथेटिक टाइप का ये कपड़ा है। और ये जो दुपट्टा मैंने लिया दैट इज़ लाइक कॉटन का था, अगेन प्रिंट इज़ वेरी नाइस, थोड़ा सा जयपुरी टाइप में है ये और इसका मटेरियल इज सो सॉफ्ट। और यहाँ पर लास्ट में इसमें इस तरीके से है वाइट कलर का, तो ये भी मैंने लिया था। इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत इजी टू कैरी है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। माई ब्रदर इन लॉ एंड माई सिस्टर इन लॉ गिफ्टेड मी 2 साड़ीज जो कि कोलकाता के फेमस होती हैं कॉटन की साड़ीज, हो तो उन्होंने मुझे साड़ी गिफ्ट की। वन इज़ दिस, जिसको अभी तक से मैंने किया नहीं है, इसका ब्लाउज भी स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है। तो वहाँ से मैंने ये उन्होंने मुझे ये एक साड़ी दी जो कि ब्लू और ग्रीन और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में है, वेरी प्रिटी। इसका जो मटेरियल है दैट इज लाइक अगेन कॉटन। अभी तो ये स्टिफ है लेकिन कैरी करने, मैं ज़्यादा स्टिफ वाले कपड़े पहनती नहीं हूँ, बट जैसे ही आप वॉश करते हो इनका स्टिफनेस जो होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये ऑरेंज और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पर गोल्ड कलर से ऐसे थोड़ा डिटेलिंग किया है। अगेन दिस इज कॉटन, थोड़ा सा अभी भी ये स्टिफ है कपड़ा। इस तरीके से आप ये मटीरियल देख सकते हैं, ये थोड़ा सा भी स्टिफ है, इसको अगेन वॉश के बाद ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसको भी ये इतना, मतलब प्लेन और सोबर कलर की साड़ियाँ हैं कि अगेन लाइक आप ऑफिस पर्पज में या कोई भी फॉर्मल जगह पर इसको पहने आप बहुत अच्छी लगेंगी। दिस इज ऑल आई हैव परचेज फ्रॉम सोनाझुरी हाट एंड फ्रॉम दुर्गापुर। मुझे बहुत मज़ा आया था दुर्गापुर में। वॉज सो हैप्पी विद माई शॉपिंग इन दुर्गापुर। सो प्लीज़ लेट मी नो कि इसमें से आपको कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा पसंद लगा, और अगर आप गए हैं तो आपने क्या क्या वहाँ से ख़रीदा है, कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो हॉल। मुझे प्लीज़ बताइएगा
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक ये वीडियो एंड शेयर तो बिल्कुल ही करना मत भूलिएगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।